और आज हमारे मिलर वगैरह नहीं आए हुए हैं, तो हमको लग रहा कि हम शायद बस से निकलेंगे अपनी ड्यूटी के लिए। ये देख सकते हैं पीछे मेरे बस खड़ी सकते। ये है हमारा समृद्धि महामार्ग और आगे ये ब्रिज है रहेगा, इसी के ऊपर से डायरेक्ट निकल सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में। दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हम कर रहे हैं अपने बेस कैंप से और अभी हमने कर अपनी ड्यूटी के लिए। आज इस साइड से जा रहा हूँ, स्टोर साइड से। तो ये देख सकते हैं पूरे पुराने टायर डले हुए हैं जो लगभग 2 साल में पूरे इतने सारे टायर ख़राब हो चुके हैं। देख सकते हैं मेरे पीछे टायर ही टायर हैं। स्टोर साइड से जा रहा हूँ और यदि मैं ऐसे में दिखाऊँ तो ये देख सकते हैं ये पूरे खाली ड्रम है। ये देख सकते हैं खाली है पूरा, एडमिक्सचर का ड्रम है ये। एडमिक्सचर क्या होता है कि जो कंक्रीट में डाला जाता है, एडमिक्सचर करके होता है, उससे कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो ये एडमिक्सचर का ड्रम है, पूरे जो खाली हो चुके हैं आप देख सकते हैं, पीछे भी हैं मेरे और इस साइड भी हैं, जो कि मार्केट में एक ड्रम की कीमत लगभग 1000 रुपये है। और ये यहाँ पर ये क्या होता है, कंपनी इसको वापस कर देती है डायरेक्ट ही प्लान, उसमें जो एडमिक्सचर फैक्ट्री होती है उसमें डायरेक्ट ये ड्रम सब वापस हो जाते हैं। देख सकते खाली है ये। और अभी हमने करा अपनी ड्यूटी के लिए और आपको दिखाते हैं समृद्धि महामार्ग और आज की हमारी वर्किंग। और अभी मैं निकल रहा हूँ, पहले तो जाऊँगा पर्ची लूँगा अपनी, जो स्लिप होती है ट्रिप सीट जिसे बोला जाता है वो लूँगा, फिर उसके बाद मैं निकलूँगा साइड। तो वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों, बारिश का सीज़न चल रहा है, देख सकते हैं पूरी जगह कीचड़ ही कीचड़ है। और यहाँ पर खड़े हुए हैं टिप्पर और हाइबा, अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ नागपुर में, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कीचड़ है। और ये खड़ी हुई हैं हमारी कंपनी की गाड़ियाँ जो कि अभी निकलेगी अपने अपनी साइड पे और हम भी निकल रहे हैं अपनी साइड पे। ये हमारा गैरेज। अच्छा, स्टोर की बात करी थी तो ये इस साइड है स्टोर, ये स्टोर है हमारा और आगे पेट्रोल पंप है। ये है हेवी सा कंप्रेसर और ये टाटा का टिप्पर खड़ा हुआ है। इस साइड में बोलेरो वगैरह खड़ी हुई है, तो ये एक टिप्पर यहाँ पर भी खड़ा हुआ है। तो ये था कुछ हमारे बेस कैंप का नज़ारा। अभी हम निकलेंगे घोड़े घाट में, हमारे बेचिंग प्लांट में। और आज हमारे मिलर वगैरह नहीं आए हुए हैं, तो हमको लग रहा कि हम शायद बस से निकलेंगे अपनी ड्यूटी के लिए। ये देख सकते हैं पीछे मेरे बस खड़ी हुई है, पीछे खड़ी हुई है हमारी बस। हो सकता है बस से निकले हम, क्योंकि हमारे कंक्रीट मिक्सर ट्रक आज आए नहीं है यहाँ पर, हो सकता है रात भर से कंक्रीट चल रही हो। और अभी हम निकल रहे अपनी साइड के लिए, अभी हम निकल रहे अपनी ड्यूटी के लिए। तो बराबर है।
अभी हम आ चुके अपनी साइट पे घोड़ेघाट 23 नंबर चैनल समृद्धि महामार्ग नागपुर टू मुंबई एक्सप्रेस वे पैकेज फर्स्ट। और अभी हम जा रहे हैं अपने बेचिंग प्लांट में और वहाँ जाके आपको दिखाते हैं कि बेचिंग प्लांट में क्या काम चल रहा है। तो दोस्तों इस बस से हम आए हुए थे और यहाँ पर खड़ा है बलकर और इस साइड में अगर दिखा दूँ तो हाइड्रा खड़ा हुआ है और ये है हमारा घोड़ेघाट का बेचिंग प्लांट। यहाँ पर हो रही सीमेंट खाली साइलो में, ये देख सकते हैं सीमेंट खाली हो रही है। और ये हरे हरी जो टंकी आपको दिख रही है इसको साइलो बोलते हैं, इसके अंदर खाली हो रही है। और ये खड़ा हुआ है लोडर और ये है हमारा कंक्रीट मिक्सर ट्रक और अभी हम निकलेंगे साइड के लिए। तो दोस्तों गाड़ी हमारी हो चुकी है लोड और अभी हम जा रहे हैं 29 नंबर चैनेज पर, वहां पर जाके आपको दिखाएंगे कि 29 नंबर चैनेज में क्या काम चल रहा है और वहीं हैगा इंटरचेंज, तो वो भी आपको दिखाएंगे इंटरचेंज कि इंटरचेंज में अभी कितना काम हो चुका है, तो वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों अभी हम आए थे 29 नंबर चैनेज पे और 29 नंबर चैनेज पे हम अपना कॉन्क्रीट मिक्सर ट्रक लेके आए थे और यहीं हैगा दोस्तों 29 नंबर में ही, ये देख सकते हैं ये है हमारा समृद्धि महामार्ग और आगे ये ब्रिज है रहेगा, इसी के ऊपर से डायरेक्ट निकल सकते हैं सामने। और ये रहेगा इंटरचेंज, यहीं पर है इंटरचेंज। तो जैसे यहाँ से कोई गाड़ी आएगी और इसके थ्रू ऐसे होते हुए यहाँ से होते हुए ये वाले रोड से आप देख सकते हैं आगे एक ऑटो आ रहा होगा, यहाँ से निकल जाएंगे और आगे से ही रास्ता है इंटरचेंज में उतरने के लिए, तो वहाँ से ही उतर सकते हैं इंटरचेंज के यहाँ पर एक्सप्रेसवे से नीचे। और यहीं पर चल रही है एक्सेवेटर टाटा हिटाची, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहीं पर चल रही है लोडिंग, ये देख सकते हैं ये वाला एरिया को काट के मिट्टी डाली जा रही है आगे साइड। और ये है AMW का टिप्पर और तीन टिप्पर यहाँ पर भी लाइन से खड़े हुए हैं। बहुत स्पीड से काम चल रहा है समृद्धि महामार्ग को बनाने का दोस्तों। और यहाँ पर भी एक एक्सावेटर चल रही है हुंडई की, एक वहां पर एक्सावेटर चल रही है और एक यहाँ पर चल रही है। और अभी हम जो कंक्रीट लेके आए थे वो आपको दिखाते हैं, यही ड्रेन की कंक्रीट लेके आए थे हम, ये जो ड्रेन आपको दिख रही है यही ड्रेन की कंक्रीट लेके आए थे, अभी डालते हुए भी दिखाएंगे आपको कंक्रीट। और इसी जगह में अभी हम आपको अपने हाईवे के ऊपर चढ़कर दिखाते हैं कि वहां पर अभी क्या काम हो चुका है इसके ऊपर। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं लगभग 30 फुट ऊंचाई है हमारे एक्सप्रेसवे की, यहाँ से स्टोन पिचिंग का काम हो चुका है यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, बिल्कुल एक लेवल पर स्टोन पिचिंग हुई है, कोई भी पत्थर ऊपर नीचे नहीं है। अभी हम आपको ऊपर चढ़ के दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हो चुके हैं PQC DLC पूरी कंप्लीट, यदि मैं आपको दिखाऊं, और यहीं खड़े हुए हैं भारत विंच के दो टिप्पर। तो इस तरीके का नजारा है यहाँ का समृद्धि महामार्ग नागपुर टू मुंबई एक्सप्रेस वे पैकेज फर्स्ट। यहीं पर एक टैंकर दब गया है, यदि आप बोलें तो मैं आपको पास से दिखाता हूं पहले। और यहीं पर बन रहे हैं गटर जो कि
आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गटर बन रहे हैं और ये गटर लगेंगे इस जगह में, और यहाँ पर हैगा टैंकर टेढ़ा हो चुका है, वो आपको दिखाता हूँ मैं पास से। और यहीं पर रखा हुआ कंक्रीट पंप, और कुछ तो इस तरीके से फंस गया हमारा टैंकर। गटर की शटरिंग निकल रही है। कुछ नहीं है भैया, घर वाले देख लेंगे, यूट्यूब में डालता हूँ मैं वीडियो यूट्यूब में। तो दोस्तों आज आपने देखा हमारा 23 नंबर चैलेंज, 29 नंबर चैलेंज और 24 नंबर चैलेंज, और कल का जो वीडियो आने वाला है बहुत ही शानदार वीडियो आने वाला है, मैं आपको दिखा देता हूँ पहले हल्का। PQC के ऊपर आने वाला है अगला वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिसमें कि आप मिस ना करें वो वीडियो, बहुत ही शानदार वीडियो है। और कैसा लगा आज का यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, यदि अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करें, और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद सभी को, भारत माता की जय दोस्तों।